Good afternoon and welcome back to my channel. And अभी आपको जैसे मैंने बताया हुआ है कि सुबह का टाइम मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होता है, तो बस मैं अभी फ्री हुई सुबह, तो व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है. तो गुड आफ्टरनून सबको, और होप करती हूँ कि सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे. तो आज के दिन की अभी शुरुआत करी जाए. और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने दो चीज़ें ऑर्डर की थी, तो पेट का तो आप अभी गेस करके बताओगे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि लाइट्स मैंने कहाँ कहाँ पर लगाई हैं. ये देखो, एक लाइट तो मेरी इस कबर्ड की अंदर लगाई गई है, अभी मैं आपको जला के दिखाती हूँ. सी, बहुत आराम से रोशनी में आप अपना कपड़े वगैरह सब देख सकते हो. और दूसरी लाइट मैंने लगाई है अपने बेड के साइड में. रात को कई बार उठते हुए पता नहीं चलता ना अंधेरे में, तो जब आप इसको ऑन कर लो तो आराम से पूरा विजिबल होता है. और तीसरे की अभी मेरे को जगह नहीं मिल रही है, जब भी वो होगा. अभी वो मैंने रख दिया है तीसरे वाला. तो मेरे बेड के इधर साइड में कोई बटन नहीं है, तो इसलिए मैंने इस लाइट को यहाँ पर फिक्स कर दिया. यस फ्रेंड्स, तो अभी अब लंच तैयार करने की बारी आ गई है. मैंने अभी दाल उबलने रखी है, और आज का मेरा जो प्लान है वो है सांभर. और दाल तो उबल रही है, और उसके बाद मैं तैयारियां करके रख लेती हूँ, फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि मैं अपने किस स्टाइल से किस तरह से इडली सांभर बनाती हूँ. और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या स्टाइल है, और उसमें क्या चेंजेस हैं, आप क्या क्या ऐड करते हो. हाँ, तो फ्रेंड्स अभी उसके लिए सांभर और इडली के लिए मैंने क्या क्या तैयारी कर रखी है वो मैं आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले तो मैं इडली के लिए रवा को भिगो के रख देती हूँ, फिर उसके बाद हम सांभर का तड़का शुरू करेंगे. एक ये देखो, दाल ऑलरेडी बॉईल हो चुकी है. अब इसमें मैं ये एक कप जितना सूजी ले रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी वो करना चाहें. तो एक कप सूजी लेकर, और इसमें अब मैं मिलाने जा रही हूँ आधा कप दही. सेम जितनी जो जिस कप से हमने मेजरमेंट ली है, इसको मैं आधा कप दही को मिक्स करूँगी इसका, और आधा इसमें हम पानी डालेंगे. पहले इसको भिगो के रख देंगे, ठीक है. आधा कप दही, ये भी उसमें चला गया. वैसे तो सांभर में नमक होता ही है, अगर इस स्टेज पे आप अगर थोड़ा नमक आपको डालना हो तो आप वो भी डाल सकते हो. इसको हमने अच्छे से मिला लिया. देखो, मिलाने के बाद ये इस तरह से थोड़ा सा अभी गाढ़ा लग रहा है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे. सेम कप में मैंने पानी ले लिया है, आधा कप पानी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इसको मिलाना है, ताकि हमारा जितनी हमारे को थिकनेस की उसकी ज़रूरत है उतनी हो पाए. ये देखो, पानी मिलाने के बाद अब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो रही है थोड़ी. अभी हम इसको थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए रखेंगे, तब तक हम सांभर के तड़के की तैयारी करते हैं. तो सांभर के तड़के के लिए मुझे क्या ज़रूरत है, एक तो पहले इमली का पानी जो है वो मैंने थोड़ी देर पहले इमली भिगो के रखी हुई थी गर्म पानी में, और उसको थोड़ी सी इमली जितनी आपको खटास चाहिए उस हिसाब से, और फिर मैंने इसके पानी को उसमें से निकाल लिया चलनी में से. तो मेरे पास ये इमली का पानी भी रेडी है. उसके अलावा सांभर बनाने के लिए वैसे तो जो मर्ज़ी सब्ज़ियाँ आपकी को अच्छी लगती हैं, वैसे मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो टमाटर, प्याज, कड़ी पत्ता, इनों हम बाद में ऐड करेंगे, वो तो इडली के लिए करेंगे. और मेरे पास जो अवेलेबल थी सब्जी, गाजर, कैरेट हो गई, और ये घिया, कद्दू वगैरह, या जो भी सब्ज़ी आपको पसंद आती हो, या ड्रम स्टिक वगैरह आपके पास अवेलेबल हो घर में हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक पैन में तेल लेकर और एक एक करके इसमें पहले सब्जियां डालेंगे, एक्सेप्ट टमाटर, मैं बाकी सारी सब्जियों को डालूंगी. तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं बताती हूँ, मुंबई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई, और शायद नॉर्थ साइड भी शुरू हो चुकी होगी काफ़ी गर्मी.
बस एक फ़र्क होता है कि हाँ दोपहर की धूप यहाँ की बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन लू नहीं चलती जो कि हमारे नॉर्थ में चलती है। मैं बाहर का भी दिखाती हूँ आपको मौसम कैसा हो रहा है। देखो कितनी तेज़ धूप बाहर है और इस टाइम तो बाहर बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं करता। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें अब तेल थोड़ा ठंडा हो चुका था, तो अब मैं थोड़ा सा 1 स्मॉल टेबलस्पून इसमें राई डाली हमने, थोड़ी सी हम इसमें हींग भी डालेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी, थोड़ी सी हींग। हींग से क्या है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और थोड़ा डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। अब इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने के बाद इसमें बाकी की वेजिटेबल दिए, थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद थोड़ा सा जैसे ही फ्राई हो जाता है, अब इसमें हम सब्जी डालेंगे, पहले प्याज और बाकी की जो भी सब्जी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, एक्सेप्ट टमाटर, टमाटर हम बाद में डालेंगे। और इन सब्जियों को अच्छे से थोड़ा सा इसको भूनेंगे, थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं जरा सा सब्जियों को, जब ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी तब फिर इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। जब तक हमारी ये सब्जी अभी हो रही है तब तक हम इडली के लिए भी तैयारी साथ साथ ही करते रहते हैं, तो 5-1 मिनट लगेंगे सॉफ्ट होने में, फिर उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। तब तक मैंने अभी ये बर्तन में पानी लेके रख दिया है, स्टैंड हो उसमें रख सकते हैं, ये मेरे पास इस तरह का कढ़ाई वाला इडली स्टैंड है, तो इसमें मैंने पानी रख दिया है गर्म होने, और साथ के साथ ही हम करेंगे प्लेट्स को भी हम इसमें ऑयल वगैरह लगाकर ग्रीसिंग कर लेते हैं। अभी क्या है कि इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा हम इसमें इस स्टेज के ऊपर नमक डाल देते हैं जिससे कि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। क्योंकि नमक ऑलरेडी उसमें दाल में डाला हुआ है तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमने। अभी इसके अलावा मिर्च और भी डालेंगे, तो अभी मैं इसको साइड में रखती हूँ, थोड़ा सॉफ्ट होने दो, तो ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छे से पक जाती है। थोड़ी सी हल्दी हमने ऑलरेडी दाल में डाली हुई थी, लेकिन ये सब्जियाँ और मसाले ज़्यादा हैं तो थोड़ी हल्दी यहाँ पर डाल देते हैं, और अगर आपके पास देगी मिर्च है तो देगी मिर्च, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा, नहीं तो आप नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये एक कश्मीरी लाल मिर्च है, तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करती हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप ज़्यादा तीखा खाते हैं कम तीखा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। नाइस कलर आना चाहिए और थोड़ा सा टमाटर हमारे गल जाए। अभी हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ी सी देर ढककर रख देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर देते हैं। आधी कटोरी जितना पानी मैंने ऐड किया ताकि ये मसाले और ये जो सब्जी है वो अच्छे से पक जाए, और वापस इसको ढककर पका देते हैं। थोड़ा सा पक जाएगा फिर मैं इसमें सांभर मसाला डालूंगी। के साथ मेरी ट्रे रेडी है, तो अभी क्या करेंगे इसको, जब तक उधर वो पानी गर्म हो रहा है, उसमें पानी गर्म होने लग गया है, तो इस मिक्सचर को देखते हैं, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है ना, तो अभी हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये मैंने आधा कप लिया हुआ है, देखते हैं कितनी ज़रूरत होगी, थोड़ा अभी डालते हैं इसमें, 1/4 जितना मैंने पानी डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स करके चेक करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, जहाँ आपको लगे कि उसके लिए
परफेक्ट है इडली के लिए, वहाँ पर उतना ही पानी बस डालना। थोड़ा सा और ऐड करूँगी, मुझे लग रहा है थोड़ा गाढ़ा है, मतलब 1/4 जितना पानी इसमें डाला गया है। और इस स्टेज पे ये इनो का पैकेट, पूरा तो नहीं क्योंकि मैं अभी दो जनों के लिए सिर्फ बना रही हूँ, तो आधा पैकेट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और इनो आपने तभी मिलाना है जब आप उसको बनाने के लिए रखने लगो, बिल्कुल एंड में, नहीं तो क्या है उसका असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इडली स्टैंड के अंदर इसको हम डाल देते हैं और फिर उसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। इडली बनने के लिए रखती है गैस के ऊपर इडली स्टैंड में। और इधर आप देख सकते हैं कि हमारी जो सब्जियां हैं वो भी ऑलमोस्ट डन है। इधर आप देख सकते हैं कि हमारी जो सब्जियां हैं वो भी ऑलमोस्ट डन है। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें थोड़ा सा हम मिलाएंगे सांभर मसाला, सांभर पाउडर, करीब 2 बड़े चम्मच जितना। अच्छे से इसको मिला दिया और फिर इसमें इमली का पानी डालेंगे। इमली के पानी के अंदर इसको सब्जियों को थोड़ी देर और मिक्स होने देंगे, उसके बाद इसमें दाल डालेंगे। दाल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हिला लिया और थोड़ा सा इसको ना करछी से ही मैश कर दिया ताकि दाल बहुत अच्छी स्मूथ। और जितनी देर में हमारी इडली तैयार होगी 15-20 मिनट इसको भी धीमी आंच के ऊपर और मिक्स होने दिया, तो इतनी बढ़िया सांभर बनती है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी मैं इसको ढककर थोड़ा सिम पे करके और ढक कर रख देंगे इसको 10-15 मिनट के लिए। और बीच बीच में थोड़ा सा इसको जैसे उबाला आएगा तो उसको मैश करते रहना है दाल को, इससे क्या होगा कि बहुत स्मूथ और उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए हमारा लंच रेडी है टेबल पर। इडली देखिए कितनी बढ़िया फूली हुई बनी है, सॉफ्ट, और सांभर की कंसिस्टेंसी देखिए। आप अगर इस तरीके से बनाओगे तो बनाकर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा बना और उसका टेस्ट आपको कैसा लगा। ओके, चलिए हस्बैंड से पूछते हैं उनको कैसी लगी टेस्ट में। एक नंबर, बढ़िया, बहुत बढ़िया है, पसंद आ गई उनको, इसका मतलब है कि बढ़िया बनी है। तो आप भी ट्राई करो और मुझे बताओ। और मैं अब अपना लंच करने के साथ साथ थोड़ी देर टीवी देखती हूँ, बस थोड़ा सा सामान अमेज़ॉन से मंगाया था वो, अभी ये क्वारंटीन हो रहा है सामान, थोड़ी देर बाद फिर इसको अंदर संभालेंगे। सब्जियाँ वगैरह तो मैं बेकिंग पाउडर और उसमें डाल के पानी में धो के और फिर रख देते हैं। अमेज़ॉन से मैं मंगाती हूँ ना, तो धनिया पुदीना इस तरह की चीज़ें बहुत ही बढ़िया आती हैं। अभी कल मैं बनाऊँगी, पुदीना मैंने मंगाया है तो कल एक ड्रिंक और बनाने का है प्लान, फिर वो बनाऊँगी तो मिलती हूँ आपको, फिर बताती हूँ कि कैसे बनाया है। अभी ये सारी चीज़ें तो पड़ी रहने देते हैं। चलो ओके फ्रेंड्स, आज आपने देखा मेरा इडली सांभर और वो कैसी रेसिपी लगी क्या है। और अब सोने का टाइम हो गया है, थोड़ी लेट हो गई हूँ, थोड़ा सा कुछ काम वाम कर रही थी। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग के अंदर कुछ और नई रेसिपीज़ के साथ, कुछ और नई बातों के साथ, और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपको पसंद आ रहा है तो कुछ तो लिखो ना यार, तभी तो मुझे पता चलेगा ना। ओके, सो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, और अपना बहुत ध्यान रखना, ख्याल रखना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इन्जॉय करते रहो।